वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के नेतृत्व में पुलिस विभाग आबकारी विभाग व मजिस्ट्रेट की टीम ने आदर्श नगर की धातु कॉलोनी में बन रही अवैध शराब के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। प्रत्येक घर की ली गई तलाशी, हर घर में चल रही गतिविधियों का जुटाया गया डाटा, बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद करते हुए लहान भी नष्ट करने की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट अजय सक्सेना। देखिए, पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत बेसिकली एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में और मजिस्ट्रेट्स के साथ में पुलिस विभाग के द्वारा यहाँ पर जो आदर्श कॉलोनी और हबुडा कॉलोनी है, यहाँ पर छापेमारी की गई है। और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज थी, ये पहले भी लगातार चलती जा रही थी, परंतु इस बार इसको सिस्टमेटिक तरीके से और इसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए प्रत्येक घर की इसमें चेकिंग की गई है। और इसमें साथ साथ में जो इस प्रकार से अवैध गतिविधियाँ, चाहे वो चोरी के मामले हैं, चाहे वो अवैध शराब से जुड़े हुए मामले हैं या NDPS से जुड़े हुए मामले हैं, इस प्रकार के अपराधियों के बेसिकली तस्दीक किया गया है और उनके डोजियर बनाने की भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। यहाँ से कुछ लोगों के द्वारा अवैध गतिविधियाँ जैसे कि चोरी और लूट की घटनाएँ और NDPS और अवैध शराब इत्यादि में संलिप्तता पाई गई थी, जिसके क्रम में इस प्रकार की कार्रवाई की। सर, एक बड़े डिजिटल पोर्टल ने खबर ब्रेक करी कुछ देर पहले कि शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई, क्या ये खबर इसका खंडन कर रही है मुरादाबाद पुलिस? नहीं, इस प्रकार की किसी भी प्रकार से कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं आई है और ना परिवारजनों के द्वारा ना किसी दूसरे लोगों के द्वारा की गई है। और उन लोगों से भी जब बातचीत की गई, उनके द्वारा भी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार के कोई भी प्रमाण अभी तक किसी के नहीं लगे हैं कि जिसमें इस प्रकार की खबर की पुष्टि हो सके। विभाग खंडन कर रहा है सर इस चीज का? अभी तक हमारे पास इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं आई है जिसके संबंध में कोई भी पुष्टिकारक साक्ष्य हमें मिले।